हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट टॉक्स। तो दोस्तों, यहाँ पर मामा जी यानी शिवराज सिंह ने दोबारा से घोषणा कर दी है इन सभी पदों पर आने वाली भर्ती। तो चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको पूरी डिटेल में ये वीडियो देने वाला हूँ। और दोस्तों बता दूँ, आप संविदा शिक्षक, जेल प्रहारी, पुलिस, SI, कांस्टेबल, पटवारी, नायब तहसीलदार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ANM और डॉक्टर, बहुत सारे पद है दोस्तों। चलिए बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं, रोजगार मेला बुधनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने चौहान ने की घोषणा। अब दोस्तों घोषणा क्या की है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर लिखा हुआ है डॉक्टर, नायब तहसीलदार और पटवारी की भर्ती जल्द। इसके साथ साथ दोस्तों और भी यहां पे परीक्षा दी गई हैं, जो कि MP कांस्टेबल, संविदा शिक्षक, नायब तहसीलदार, ये सभी की भर्ती है। चलिए दोस्तों डिटेल में ये वीडियो बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, प्रदेश में 7.5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को बुधनी में आयोजित रोजगार मेले में कहा कि राज्य सरकार ने गरीबी दूर करने का काम किया है, प्रदेश को बीमारी राज से कलंक से मुक्ति है, आज मध्य प्रदेश विकसित राज्य बन गया है, अब इसे समृद्ध और राज्य बनाना है। और दोस्तों यहाँ पे शिक्षकों, पुलिस कर्मियों की भर्ती, ANM एवं डॉक्टरों, नायब तहसीलदार, पटवारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती जल्द होने वाली है। तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ शिक्षकों, पुलिसकर्मियों की भर्ती, ANM एवं डॉक्टर, नायब तहसीलदार, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। और दोस्तों यहाँ पे बता दूँ, जेल प्रहारी की ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी है। मैं आपको बता आपको पहले ही बता दिया, वीडियो अगर वो वाली नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर जाकर देखिए। और उसके 11 अगस्त से आप फॉर्म भी भर सकते हैं, उसका एग्ज़ाम 29 सितंबर को होगा, उसकी रोल बुक बहुत ही जल्दी आने वाली है। अब इसके अलावा दोस्तों इन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। कार्यक्रम में 2150 युवाओं ने चौहान के हाथों लोन मंजूरी एवं रोजगार के आशय पत्र प्राप्त किए। उन्होंने अन्य योजनाओं के लिए 13,600 हितग्राहियों को लाभान्वित किया। विभिन्न योजनाओं में जिले के हितग्राहियों को 84 करोड़ रुपए के हित का लाभ वितरण किया। बुधनी में ई अस्पताल पोर्टल का शुभारंभ और 10 करोड़ 40 लाख रुपए लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया। इस मौके पर केंद्रीय कौशल मंत्री राजमंत्री आनंद कुमार हेगड़े भी उपस्थित थे। चौहान ने कहा कि प्रदेश में 7.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इनमें से 2,60,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर घोषणा की गई है। क्या दोस्तों आपको ये खबर सही लगती है गलत, दोस्तों ये आपको डिसाइड करना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों भर्ती लगभग दोस्तों इसमें से आधी से ज़्यादा भर्ती तो होना है, कंपलसरी रहेगी दोस्तों, क्योंकि चुनाव का साल है तो बिल्कुल ये सभी भर्तियां होनी है। अब दोस्तों देखा यह जाएगा ये भर्तियाँ जो होनी है ये चुनाव से पहले होंगे, चुनाव से बाद। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर तरह की छोटी और बड़ी अपडेट्स मैं लाता रहता हूँ उस चैनल पे। और दोस्तों किसी भी तरह का डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों ये कल ही के न्यूज़पेपर खबर है, आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, CM मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार मेले में हितग्राहियों को रोजगार संबंधित प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री आनंद कुमार हेगड़े भी मौजूद रहे। और दोस्तों आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।